करेंगे बड़ी खबर के साथ जो शाजापुर से है। शाजापुर के पतोली गांव में बागली भवन में कार्यक्रम करने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद गांव में एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। तो विवाद की खबर मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और समझाइश देकर मामले को शांत कराया है। तो बता दें कि एहतियातन के तौर पर गाँव में पुलिस बल की तैनाती अभी भी देखी जा रही है। फिलहाल गाँव में शांति का माहौल बताया जा रहा है। बड़ी खबर ये शाजापुर से, पतौली गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर मांगलिक भवन में कार्यक्रम करने की बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस बल की तैनाती यहां पर एहतियात के तौर पर करनी पड़ी। तो बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और साथ ही साथ जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन को लगी, अधिकारियों को लगी, उसके बाद अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। दोनों पक्षों से बातचीत की गई, विवाद के बारे में जानने की कोशिश की गई और उसके बाद मामले को शांत कराया गया। थाना लालगट्टी के ग्राम पतोली में सामुदायिक भवन में कार्यक्रम को लेके कुछ पक्षों में विवाद था और उसकी जानकारी थाने पे मिली, तो हम तत्काल फोर्स लेके यहाँ पर आए थे। दोनों पक्षों से बातचीत की है और उनकी जो समस्या है उसके समाधान के बारे में प्रशासन और पुलिस दोनों ने मिलकर प्रयास किया है और इस बिंदु पर चर्चाएँ जारी है और हमें विश्वास है कि जल्दी ये समस्या हल हो जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जफर मुल्तानी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जफर, कब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या अभी भी गांव में तनावपूर्ण स्थिति है या फिर माहौल शांत है? देखिए, कल का घटनाक्रम है, जब एक दलित परिवार में कोई मांगलिक आयोजन को लेकर विवाद हुआ है। मांगलिक जो दलित परिवार है उसने विधिवत जो नियमानुसार जो अनुमति होती है मांगलिक भवन के लिए वो उन्होंने ली थी कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू होने की तैयारी चल रही थी तो गांव के कुछ लोगों ने आके विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि जो लालघाटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये पतोली गांव आता है उसमें वहां पे जो जिले के जो सॉरी शाजापुर के जो SDM है, तहसीलदार है, ये सब और आधा अधिकारी जो पुलिस का बल वो सब पहुंचा और आसपास के जो लगभग आधा दर्जन थानों का बल वहां पर लगाना पड़ा, तब जाके विवाद की स्थिति शांत हुई है। हालांकि घटनाक्रम में किसी तरह की मारपीट जैसी नौबत जैसी कोई सामने नहीं आई, घायल जैसी कोई स्थिति नहीं बन पाई, लेकिन तनाव इतना बढ़ गया था कि पुलिस को भारी बल लगाना पड़ा और स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जफर आपका जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि गांव में तनावपूर्ण स्थिति थी, पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन हाल फिलहाल में जैसा कि हमारे सहयोगी ने अपडेट दी कि अभी माहौल शांत है।